वेलकम टू IndianCoding.com। हमारे आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि jQuery का सेट मेथड क्या होता है। तो सेट का मतलब ये होता है ना कि हमारे HTML में इसके DOM एलिमेंट्स होते हैं, तो उस DOM एलिमेंट्स को हमें अगर कुछ वैल्यू सेट करनी है, जैसे कि कोई टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, डिव है, उनको हमें कुछ वैल्यू सेट करनी है, तो उन वैल्यूज को सेट करने के लिए jQuery में हमारे पास तीन तरह के मेथड्स होते हैं। एक तो होता है टेक्स्ट मेथड, एक होता है HTML मेथड और एक होता है वैल मेथड। तो टेक्स्ट मेथड जो है, तो ये क्यों किसके लिए यूज करते हैं, कोई टेक्स्ट है हमारा नॉर्मल, जैसे कि पैराग्राफ है या कोई किसी डीव में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट है, उस वैल्यू को अगर हमें सेट करना है, चेंज करना है, तो हम टेक्स्ट मेथड यूज करेंगे। देन हमारा पूरा का पूरा जो HTML है उसे अगर हमें चेंज करना है, उसे अगर हमें सेट करना है, तो उसके लिए हम HTML नाम का जो मेथड है तो वो यूज करेंगे। देन थर्ड मेथड जो है तो वो है वैल, जैसे कि इनपुट टैग है या कहीं पे किसी पैराग्राफ में या कहीं पे हमें किसी इनपुट बॉक्स में या चेक बॉक्स में हमें कोई वैल्यू सेट करना है, तो उसके लिए हम वैल मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बेसिक अपना डॉक्यूमेंट डॉट रेडी ये कोड तो लिखा है, देन यहाँ पे मैंने तीन अलग अलग बटन्स लिए हैं, ये सेट टेक्स्ट है, एक बटन जो है तो वो सेट HTML है और थर्ड है सेट वैल्यू। इन तीनों को अलग अलग मैंने IDs दे दिए हैं, इन तीनों बटन वन, बटन टू और ये बटन थ्री। तो यहाँ पे जब मैं बटन वन पे क्लिक करूंगी तो ये जो फंक्शन है तो वो रन होगा और जिसका ID टेस्ट वन है उसका टेक्स्ट जो है तो वो सेट हो जाएगा। अभी टेस्ट वन किसका आईडी है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे, इस पैराग्राफ का जो आईडी है तो वो टेक्स्ट वन है। दिस इज अ पैराग्राफ, इसका टेक्स्ट हमें चेंज करके हेलो वर्ल्ड लिखना है। देन सेकंड जो है तो वो टेस्ट टू है, तो टेस्ट टू ये जो है तो इसका हमें HTML सेट करना है। अभी सिर्फ क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, दिस इज अनदर पैराग्राफ, इसकी जगह पे हमें हेलो वर्ल्ड और इंडियन कोडिंग जो है तो ये बोल्ड में लिखना है। और थर्ड जो है तो वो एक हमने इनपुट फील्ड लिया है, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स लिया है जिसको टेस्ट थ्री आईडी दिया, और इसका बाय डिफॉल्ट हमने अभी वैल्यू मिकी माउस सेट किया हुआ है, इसका भी हम वैल्यू चेंज करेंगे। तो देखिए मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ, अभी ये वैल्यू सेट, जैसे ही मैं सेट टेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ ये पैराग्राफ जो है तो ये हेलो वर्ल्ड में चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये हेलो वर्ल्ड हो गया। अब अगर मैं दिस इज अनदर पैराग्राफ इस लाइन पे अगर क्लिक करती हूँ तो इसका HTML चेंज हो जाएगा। सेट HTML पे क्लिक करूंगी तो ये HTML चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए इंडियन कोडिंग जो है तो वो मैंने यहाँ पे बोल्ड में दिया है, तो इसलिए इसने बोल्ड में उसे कर दिया। देन थर्ड जो है तो वो सेट वैल्यू, अभी यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज जो सेट करी है तो वो मिक्की माउस है, तो अगर मैं सेट वैल्यू पे क्लिक करती हूँ तो मिक्की माउस की जगह ये देखिए यहाँ का भी जो वैल्यू है तो वो चेंज हो गया। मैं फिर से आपको तीनों करके दिखाती हूँ, आप ये एक बार तीनों वैल्यूज देख लीजिए, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ और इनपुट फील्ड में मिक्की माउस है। मैं सेट टेक्स्ट करूंगी, फर्स्ट वाला चेंज हो गया, ये क्लिक करूंगी तो सेकेंड वाला चेंज हो गया, और सेट वैल्यू करूंगी तो इसका वैल्यू भी चेंज हो गया है। ओके तो अब देखिए ये HTML जो है तो HTML में अगर मैं टेक्स्ट जो है तो टेक्स्ट में अगर मैं बोल्ड टैग लिखती हूँ, अगर ये बोल्ड टैग जो है तो मैं अगर ये HTML में लिखती हूँ तो ये टेक्स्ट जो है टेक्स्ट मेथड है इसमें अगर मैं बोल्ड टैग लिखती हूँ और अगर इसको मैं रन करती हूँ तो ये एज इट इज इसको टेक्स्ट समझ के प्रिंट कर देगा। जैसे कि देखिए मैं करके दिखा दूं, अभी ये दिस इज पैराग्राफ है, मैंने इसको सेट टेक्स्ट किया तो इसने ये देखिए आप देख सकते हैं इसने बोल्ड भी प्रिंट कर दिया। तो इसलिए टेक्स्ट मेथड जो है तो इसमें हम टैग्स नहीं लिख सकते, तो टैग्स भी हमें अगर टैग्स के साथ उस कोड को कोई वैल्यू है तो उसको चेंज करनी है या सेट करनी है तो उसके लिए हम HTML नाम का मेथड यूज करेंगे। वैल्यू सेट करने के लिए वैल नाम का मेथड और टेक्स्ट सेट करने के लिए, नॉर्मल टेक्स्ट सेट करने के लिए टेक्स्ट मेथड। ये देखिए आई होप आज के लेक्चर में सिखाए हुए सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन पुट योर क्वेरीज इन द Q&A सेक्शन। थैंक यू।